मैं जी और मैं यहाँ एमपिल सेकेंड ईयर में हूँ हेल्थ स्कूल में, पब्लिक हेल्थ में एमपिल कर रहा हूँ और मैं कोरापुट उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ग्रेजुएशन था साइकोलॉजी पर, मैं एचसीयू से फिर मास्टर किया हेल्थ साइकोलॉजी में, फिर यहीं पे एमपिल के लिए अप्लाई किया था। और ये टीस एक मतलब बहुत यूनिक इंस्टीट्यूशन है, मतलब रिसर्च के लिए और कुछ मतलब आपको अप्लाई करने के लिए, तो इसका बहुत सा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। जैसे कि अभी अप्लाई करने के लिए मास्टर का डॉक्यूमेंट इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो खुद पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट जो रिसेंट वाला होना चाहिए, मतलब करेंटली फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च प्रपोजल, जो मतलब आपको अपलोड करना पड़ता है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है, तो लास्ट में उसको अपलोड करना पड़ता है, तो रिसर्च प्रपोजल जरूरी है। उसके बाद फिर ये प्रोसेस रहा। और बाद में आपको क्या होगा, मतलब रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोग सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। जैसे कि मैं पब्लिक हेल्थ में मेरा जैसे एग्जांपल देता हूँ कि पब्लिक हेल्थ तो पूरा पॉपुलेशन को लेता है, जो पब्लिक कंसीडर करता है, तो मेरा क्वेश्चन एक आया था कि मलेरिया इरेडिक्शन के लिए मतलब कौन कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसी है और उसका क्या इम्पैक्ट है, तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा। तो मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, तो आप वो क्वेश्चन का आंसर जानते हुए लेकिन लिखने का तरीका होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इंटरव्यू जब बुलाया जाता है उसमें आपको मतलब जैसे आप तो यहीं पर मतलब मास्टर नहीं करना है तो रिसर्च करना है, तो रिसर्च के बारे में आपको मतलब पूरा प्लान होना चाहिए। तो आपको जो भी इंटरव्यू मतलब जो भी प्रपोजल लिखे हैं तो उसके ऊपर मतलब आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा ब्रीफली इन डेप्थली नॉलेज होना चाहिए, ताकि उनको मतलब जो भी मतलब आपके सामने बैठे हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनको पता चले कि वही फील्ड में रिसर्च करने का काबिलियत है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका जैसे कि रिसर्च डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे आप मास्टर किए होंगे तो या एमपिल किए होंगे तो आपको पता ही होगा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, तो उसके बारे में मतलब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो हर बात मतलब हर बार उसको ध्यान रखना पड़ता है, मीन्स क्या क्या करा गया, जैसे कि मेथोडोलॉजी पार्ट ये कॉमन सा होता है, जैसे एरिया स्टडी, कौन से एरिया में स्टडी करना चाहते हो और किसके पॉपुलेशन कौन सा है आपका, और फिर कौन सा मेथड यूज करेंगे, फिर डाटा कलेक्शन करने के लिए क्या मतलब इंटरव्यू या क्वेश्चनरी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, या इसी प्रकार मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। और भी जैसे कि हम लोगों को पूछा गया था, मतलब मेरे को पर्सनली जब पूछा गया था कि मतलब बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन था, कि एक फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया था कि पॉइंट वाइज सीरियल कोरिलेशन का एक टाइप है, उसका फॉर्मूला लिखने के लिए बोला गया था। बट मैंने बोला था डायरेक्टली कि मेरे को अभी नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे को पता है फॉर्मूला, लेकिन अभी लिख नहीं सकता, माइंड में नहीं, तो जेन्युइन रीजन बताना है और उनको एहसास दिलाना है कि आप कर पाओगे, ठीक है। तो और इंटरव्यू के लिए मतलब और भी बाकी बाद में मतलब आपको चाहिए तो मतलब कॉन्टैक्ट नीचे दिया होगा, तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, तो आपको ये कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो पता चल जाएगा। तो आप जितने भी कर रहे हैं ना, तो रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपको मतलब पूरा नॉलेज थोड़ा ये करके आइए, तो ये बात की बात है, लेकिन आप अभी ध्यान दीजिए एप्लीकेशन फिलअप करने और जो रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए। और प्रपोजल बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे हैं, जैसे कि मेरे क्लासमेट अभी पूछ रहे हैं, वो लोग तो मास्टर करते हैं, तो कभी कभी दिक्कत होता है, मतलब सब हर कोई यूनिवर्सिटी में ऐसे स्टेप वाइज की मतलब कैसे बनाना वो नहीं पढ़ाते, तो इसके बारे में मतलब आप पूछ सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स दिया जाएगा, जो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो बता देंगे। आप लोग यदि मतलब मास्टर में अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत समय ऐसा होता है कि मतलब प्रोग्राम चूज करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रोग्राम चूज करना, मतलब कौन सी प्रोग्राम, क्योंकि यहीं पे इंटरडिसिप्लिनरी सब इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम है, कोई से एक डिसिप्लिन या मतलब ऐसे प्रोग्राम है, जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, इसमें जैसे कि मतलब ऐसे सब्जेक्ट होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर पॉलिसी, कोई भी मतलब अलग यूनिवर्सिटी से ये सब प्रोग्राम नहीं मिलेगा आप लोगों को। फिर भी मतलब यहीं पे मतलब हर तरह के प्रोग्राम उसका बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे उसका प्लेसमेंट भी बहुत सारे काफ़ी अच्छा रहता है। और
इसका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है, सिंपली से अभी आपको वेबसाइट में जाना है, जैसे कैसे मतलब प्रोसीजर बता रहा हूँ कि वेबसाइट में जाना है, आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना पड़ता है, जो मीन्स आपको पूरा जब तक मतलब टीसी में एंट्री नहीं होगा तब तक आपको यूजर आईडी रखना पड़ता है। तो यूजर आईडी मतलब कॉमन मेल आईडी से आप लॉगिन करके अपने मतलब यूजर आईडी बना सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम और बहुत सारे स्कूल्स है, जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंटल स्टडीज, जैसे वुमेन रिसर्च मैनेजमेंट और जो लेबर स्टडीज इसमें आता है, जैसे स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम स्टडीज, जो पब्लिक हेल्थ, सोशल एपिडेमियोलॉजी, स्कूल ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सेंटर आता है। जैसे सोशल वर्क का ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, जैसे कि फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे होगा, और फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रैक्टिस जैसे प्रोग्राम है। तो ऐसे मतलब उसके ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस भी है और सोशल साइंस रिलेटेड, ये सब मतलब काफ़ी प्रोग्राम है। तो आप चूज कर सकते हैं आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, और कभी ये लिंक नहीं रहता कि आपका कौन से कोर्स में ग्रेजुएट है और कौन सी कोर्स करने जा रहे हैं। सिर्फ आपको मतलब इतना नॉलेज होना चाहिए कि वही फील्ड में जाकर मैं आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो इसका एग्जाम पैटर्न होता है मतलब जनवरी में होता है, मेनली जनवरी में, और इसका एग्जाम पैटर्न 100 मार्क का होता है, टीस नेट मतलब टीस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज कॉल्ड टीस नेट। सो एक कॉमन एंट्रेंस है सबके लिए, मतलब हर कोई डिपार्टमेंट, हर कोई सेंटर के लिए, तो कोई मतलब स्पेसिफिक नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता। तो इसके लिए कॉमन एंट्रेंस होता है। इसका क्वेश्चन पैटर्न तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीन प्रकार, फर्स्ट में मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, और एक इंग्लिश का जैसे ग्रामर सब इंक्लूड करता है, और बाकी जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज के हिसाब से, तो वो देखना पड़ता है। और जनरल नॉलेज में जैसे बहुत सारे टॉपिक होता है, करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड फिर वर्ल्ड हिस्ट्री इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कभी कभी, लेकिन पूछ लेता है। और करेंट इवेंट में जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फिर बाद में लॉज, अभी कोई बिल पास हुआ, ये सब आता है, और इंडियन के कल्चर स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, फिल्म, स्पोर्ट्स, ये सब आता है, जो मतलब आपका जनरल अवेयरनेस जो वर्ल्ड के बारे में, मतलब अपने नेशन से लेकर वर्ल्ड लेवल तक। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है, जैसे इकोनॉमी से, इकोनॉमिक रिलेटेड या पॉलिटिकल रिलेटेड या एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये सारे क्वेश्चन आता है। फिर बाद में इंग्लिश, इंग्लिश में जैसे कि कॉमन आता है कि ग्रामर जैसे रहता है कि प्रोपोजिशन या रीडिंग दी पासेज एंड जो आंसर राइटिंग होता है ना, वही सब आता है। फिर उसके बाद जो ग्रामर का जो सेंटेंस बनाना आता है, और कोई सेंटेंस एरर है तो उसको कैसे करेक्ट करना है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। तो इंग्लिश में ये सब बेसिकली, और इसके बारे में डिटेल मतलब मिल जाएगा, मतलब सैम्पल पेपर या कोई भी चीज़ आपको मतलब ज़रूरत होगा कभी तो मतलब ये कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स में सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जैसे अप टू टेंथ लेवल तक, मैं तो कोई भी बोर्ड का टेंथ लेवल तक, जैसे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस रिलेशन, और फिर जो मेंसुरेशन, सिंपल ज्योमेट्री, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। और इतना ज़्यादा मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है मैथमेटिक्स रिलेटेड। और जो लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है, जैसे क्वेश्चन सीरीज, नंबर सीरीज, फिर अल्फाबेट सीरीज, जो ABCD के जो कुछ आता है, जो रिलेटेड जो भी मतलब लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन आता है वही आता है। और जैसे वेन डायग्राम आप तो सब जानते होंगे, मतलब वेन डायग्राम या कोई स्क्वायर बॉक्स में फिलअप करना नंबर हिसाब से, दैट इज मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, पजल, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। तो इसके मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, अवेलेबल है, मिल जाएगा। सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करना है पर्सनल जिसको चाहिए, तो और कोई मतलब मटेरियल मिल रहा है तो मतलब ठीक है, तो लेकिन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये आपको कट ऑफ जैसे स्कूल वाइज जाता है, मतलब टोटल 100 मार्क होता है, 100 मिनट का टाइम पीरियड होता है, तो 100 मिनट में आपको 100 मार्क लिखना है। और सब में टाइम टेकिंग ज़्यादा आता है,
मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग पे, तो मतलब आपको उसके थोड़ा मतलब एक क्वेश्चन 2-3 मिनट भी लग जाता है कभी कभी सॉल्व करने पर। और जो जनरल अवेयरनेस में आपको पता है तो सिंपल मतलब ऑनलाइन होता है टेस्ट, तो मतलब क्लिक कर देते हो मतलब विद इन 20 सेकंड यू कैन सॉल्व लाइक 1-2 क्वेश्चन सो इफ यू नो द आंसर। लेकिन मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश में थोड़ा टाइम ज्यादा वक्त लगता है, तो जितना जल्दी हो सके जो जनरल अवेयरनेस खत्म करके फिर उधर घुसना है मतलब मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पे। तो ये रहा मतलब एग्जाम का पार्ट एंड। और एग्जाम क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊंगा थोड़ा। इसमें क्वालिफिकेशन के लिए मतलब डिफरेंट स्कूल और डिफरेंट सेंटर से अलग अलग कट ऑफ जाता है। जैसे कि कोई कोई सेंटर है, जैसे वुमेन स्टडी के पिछले बार गया था, कट ऑफ जनरल के लिए तो 39 और फिर ओबीसी के लिए 37 समथिंग था, एंड फॉर एससी के लिए 34 या समथिंग था, और एसटी के लिए 29 समथिंग था। तो इसी प्रकार कट ऑफ जाता है। और ऐसे बहुत सारे मतलब सेंटर है, मतलब कभी गेस नहीं कर सकते क्योंकि कभी ज्यादा बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो कट ऑफ बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाती है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। जैसे एचआरएम में मतलब सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है, मतलब 70+ रखना है तो मैं एचआरएम में क्वालिफाई कर सकूँ, मतलब 100 में से 70+। तो सिंपली मतलब हर बार जनरल का ही होता है, और ओबीसी का मतलब थोड़ा ऐसे डिफरेंस रहता है, मतलब 2-3 मार्क या 5 मार्क डिफरेंस रहता है। और एससी एसटी के लिए मतलब 65-67+ रखना चाहिए जो एचआर के लिए। और काफी ऐसे बहुत सारे स्कूल है जो सोशल वर्क में और हेल्थ स्कूल जैसे, उसमें एवरेज मतलब 50 के आसपास रखने से भी क्वालिफाई कर सकते हैं कभी कभी। लेकिन अभी जो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो उसके लिए धीरे धीरे मतलब कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, पिछले बार यही हुआ था। तो सिर्फ आपको मतलब क्वालिफाई करना है, ठीक है, मतलब फास्ट जो एंट्रेंस में क्वालिफाई करना है। और इसका मार्क में बता नहीं, पिछले बार मतलब पहले किया था मैं भी, जो आप ये किया था 2015 में, तो उसी समय 35 का रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड 35 का इंग्लिश एंड 30 मार्क का जनरल अवेयरनेस था। लेकिन पिछले 2 साल से क्या हुआ कि जनरल अवेयरनेस 40 मार्क आ रहा है, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में से ज्यादा मार्क ये कैरी कर रहा है, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग में 30-30 आ रहा है। तो सबसे बेहतर होगा मतलब मार्क सिक्योर करना चाहते हैं तो मतलब जनरल अवेयरनेस आपको पता है तो डेली करेंट इवेंट या जो भी मतलब बुक मिलते हैं पढ़े होंगे, जैसे कि जनरल नॉलेज का बुक, आर्यन बुक या बहुत सारे ऐसे बुक है, मतलब प्रिपेयर करके तो आपको मिल जाएगा, मतलब कर सकते हैं। उसके बाद क्या रहा इस ये एग्जाम के बारे में बताया। फिर एग्जाम रिजल्ट आने के बाद पता चलता है, मतलब वो दे विल कॉल यू लाइक फॉर इंटरव्यू। और इंटरव्यू में क्या होता है, नॉट ओनली इंटरव्यू, उसी समय मतलब ये 3 स्टेज का एग्जाम, फर्स्ट टीस नेट हुआ, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, जहाँ आपको मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप एनालिसिस जो आंसर राइटिंग होता है, और जो मैनेजमेंट स्टडीज में जाते हैं उनके लिए ग्रुप डिस्कशन होता है। तो सबको मतलब थोड़ा डिफरेंट है, जैसे बहुत सारे मतलब 90% सेंटर में सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 4-5 सेंटेंस या एक पैराग्राफ जैसे सेंटेंस के जरिए मतलब आपको आंसर लिखना है। उसके बाद फिर वो 50 मार्क का होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यूज होता है जो मतलब वाइवा वॉइस होता है, वहीं पे 70 मार्क का होता है। तो 70 मार्क होता है तो कोई बात नहीं, मतलब मास्टर में ऐसे पूछते हैं, मास्टर मैं 2015 में मतलब अप्लाई किया था लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था और मेरे को कुछ पता नहीं था, नहीं पता था लेकिन जो कोर्स स्टडीज ये जो कौन कौन सा कोर्स है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं था। तो मे भी लेकिन थर्ड सिलेक्शन में हुआ था लेकिन नहीं हुआ, मैं नहीं आया यहाँ पे। तो इस मतलब वो बेसिक चीज क्या रहता है कि जब आप अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दलित एंड ट्राइबल स्टडीज में अप्लाई किए हैं, तो आप कोई मीन्स कौन सी भी बैकग्राउंड में आए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो कोर्स के बारे में। तो मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्लाई करने के बाद भी या जब आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा तो भी मतलब एक बार पूरा कोर्स स्टडीज क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से सेंटर कितने सेमेस्टर है और कौन सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली दे विल आस्क दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई हैव फेस्ड दैट इंटरव्यू ड्यूरिंग माई टाइम। सो ये जरूरी होता है।
उसके बाद फिर आपको पूछ सकते हैं जैसे उस सब्जेक्ट रिलेटेड में कि क्या क्या किए हैं, या कोई पिछले बार कोई काम कर रहे थे या कोई काम से जुड़े हुए थे, और फिर क्यों करना चाहते हैं। तो ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है, लेकिन आंसर सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मतलब आप किस तरीके से दे रहे हैं और आपको मतलब कौन सी बेसिस पे नॉलेज है कि नहीं, वो चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि मतलब ये बंदा मतलब यहीं पे पढ़ पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ का कोर्स वर्क और जो कोर्स और जो जो भी मतलब सब्जेक्ट बहुत डिफरेंस है मेरे बाकी यूनिवर्सिटी के जैसे। तो इसलिए वो लोग वो टेस्ट करते हैं, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जो इंटरव्यू अटेंड करते हैं। और बाकी बाद में मतलब इसके लिए थोड़ा मतलब अधिक जानकारी के लिए कुछ कुछ भी चाहिए, मतलब इंटरव्यू कैसा होता है या कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो डिटेल बता जाएगा, या पर्सनल जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो इंटरव्यू में मतलब 70 मार्क का कैरी करता है, ठीक है, 75 का, सॉरी 75 का मार्क होता है। तो उसमें आपको दिखते हैं मतलब जैसे कि कैसे बोल रहे हैं आप ज्यादा, मतलब क्या कोई बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मतलब इंग्लिश में डरते हैं, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे क्या बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हर सेंटर में आप हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, बाइलिंगुअल भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो उसके लिए कोई किसी के लिए भी डरना नहीं, उसके लिए जो भी लैंग्वेज में बोले फुल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से बोले, मतलब कॉन्फिडेंसियलिटी से बोले कि मतलब उनको पता चले कि ये पढ़ पाएगा। और जो भी आंसर पता नहीं है सिंपली आपको डिनाई कर देना कि सर मेरे को पता नहीं। हाँ कुछ भी पता नहीं मतलब इधर उधर करके बोलना नहीं, कि क्योंकि दे नो वेरी वेल इंग्लिश बिकॉज दे आर एनीवे टीचर एंड दे आर मास्टर इन दैट सब्जेक्ट। सो ऐसे मतलब हम बायस कर नहीं सकते इधर उधर क्वेश्चन आंसर देकर। तो बी स्पेसिफिक व्हाट यू आर सेइंग अबाउट, और जो पता है आपको वही बोलना है, और इधर उधर मत बोलना। मतलब और बाकी सब ड्रेस कोड ये वगैरह मतलब इतना इम्पोर्टेंस नहीं है ये, लेकिन अपने पर्सनालिटी भी चेक करते हैं, मतलब कौन से ऐसे होता है कभी कभी मीन्स कोई सारे सेंटर में। तो